नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर जनता की निगाहें, कौन संभालेगा कर्नाटक की कमान, नागरिक है उत्सव। इमरान को राहत, गिरफ्तारी पर 15 मई तक रोक, देर रात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर फायरिंग। प्रदेश में नागपुर समेत 5 जिलों में बनाए जाएंगे वन स्टेप सेंटर, सभी जिलों में होगा सखी निवास। आर्यन खान की गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के घर रेड, समीर वानखेड़े पर ड्रग केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर का सस्पेंशन ऑर्डर वापस, महाराष्ट्र सरकार ने सभी आरोप हटाए, सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। फेक करेंसी केस में एनटीए ने 6 जगह छापेमारी की, हथियार, जाली नोट बनाने वाली मशीनें जब्त, दाऊद से कनेक्शन के सबूत मिले। जयंत पाटिल ने ईडी से 10 दिन की मोहलत मांगी। लास्ट बॉल पर 6 मारकर सूर्य ने शतक जड़ा, हार्दिक कोहली ने दी बधाई, तो वहीं राशिद खान ने 10 छक्के लगाए। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की आज सगाई, दिल्ली के कपूरथला हाउस में पहनाएंगे एक दूसरे को रिंग, प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची दिल्ली। और पुष्पा 2 के लिए 60 करोड़ रुपए में बिके फिल्म के हिंदी सैटेलाइट टीवी राइट्स।